सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्री ब्लॉग। प्योर कंपनी का स्कूटर आता है, मैक्स इसके ऊपर इतने लिखा हुआ है, ये ई-प्लूटो 7G मैक्स है। इसके अंदर जो बैटरी कैपेसिटी है वो ज्यादा मिलती है, रेंज आपको ज्यादा ऑफर करता है, और इसकी जो बैटरी है वो भी बड़ी है, 3.5 किलोवाट के आसपास की है। एक बार ही चलाते हुए देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है, कितनी स्पीड बांधती है, क्या क्या इसके अंदर आप लोगों को जो दो तीन डिफरेंट मोड मिलते हैं वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में एक बार चला के दिखाता हूँ। तो चलो अब मैं सीधा इसको निकालता हूँ गोप्रो में और सीधा स्कूटर दौड़ाते हैं रोड पे। तो भाई इसके अंदर देखो आपको ऐसे ना चार चाबी देती है कंपनी, और ये रिमोट भी मिलता है। आप इसे चाहो तो अनलॉक करके दो बार दबा के रिमोट से भी ऑन कर सकते हैं। अब इसको मैं एक बार दबाऊंगा बंद हो जाएगा, और ये चाबी लगा के हम चाबी से चलाएंगे। अच्छा भाई, तो इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ मेहनत वाला काम नहीं है। इसके पहले क्या था भाई, ऐसे ब्रेक दबा के भी स्टार्ट हो जाता था। अब जैसे मैं दो बार ब्रेक दबा रहा हूँ, देखो हैंड ब्रेक का साइन दिखा रहा है स्कूटर। ये सेफ्टी फीचर है इसके अंदर बेसिकली। अगर आप ऐसे ब्रेक दबाओगे ना, और मान लो बच्चा बच्चा आगे बैठा वो घुमाना दे, तो अब आप ये पी का बटन जब रिलीज़ कर दोगे ना तब ये रेडी हो जाएगा। मैं मोड वन में लगा देता हूँ, लेट्स गो। तो भाई मैं आ रखा था यहाँ पर राजस्थान अलवर। शोरूम की डिटेल, शोरूम के कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शोरूम का नाम है PNC इलेक्ट्रो व्हील्स। बस मैंने यहाँ से स्कूटर अपना लिया है उतार, अब हम इसको लेके निकल चुके हैं 150 किलोमीटर चलाने के लिए। तो भाई देखो अब मैं इसको शोरूम से लेके निकल चुका हूँ स्कूटर को अपने, और इसके अंदर दो तीन चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले बेसिकली ये जो आप ये देख रहे हो ना बैटरी का, ये बैटरी का जो बार है, अगर आपको यहाँ पे जैसे कि जानना चाहते हो कि भाई एक एक बार गिरेगा, उससे आपको एक्यूरेट आइडिया नहीं लगेगा कि भाई आपकी कितनी बैटरी जा रही है कितनी जा रही है, तो इसकी सीट के नीचे ना एक आपको QR कोड मिलता है, उसे आप स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने के बाद वहाँ से आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी कि भाई कितने परसेंट बैटरी जा चुकी है, बैटरी के सेल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो अपना मस्त, इसके नीचे QR कोड मिलता है सीट के अंदर, जहाँ पे बैटरी है इसकी 3.5 किलोवाट की, वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि भाई कितने परसेंट इसके अंदर बैटरी बची है, कितनी खर्च हो चुकी है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो इसकी ऐप आती है डेडिकेटेड, आप वहाँ से काफ़ी कुछ पता लगा सकते हो इसके कितने शेल की क्या लाइफ है, क्या है क्या नहीं है। और उसी के साथ अगर एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करी जाए कि भाई ये चलने चलाने में कैसे, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, मैं इसको थर्ड मोड पर चला रहा हूँ भाई, एकदम भाग रही है। भागने के मामले में तो भाई बड़ी मस्त चल रही है स्कूटी, बढ़िया चल रही है, मज़ा आ रहा है चलाने में। स्कूटी कह लो, स्कूटर कह लो, या फिर आप जो कहना चाहो वो कह सकते हो। ब्रेकिंग भी भाई बढ़िया है। इसके अंदर आप लोगों को देखो तीन मोड देखने के लिए मिलता है। चलो मैं मोड नंबर 1 पे लगाता हूँ। तो मोड नंबर अगर आप इसे 1 पे चलाओगे ना, तो आपकी ये टॉप स्पीड अचीव करेगी, करके देख लेते हैं। कंपनी भी बोलती है 34-35 की, तो 35 से ज़्यादा ही जा रही है, 36 चली गई है, तो आपकी ये टॉप स्पीड अचीव करेगी 36 की। और मैंने फुल थ्रोटल चला रहा हूँ इसको, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ इसकी जो रेंज आएगी, अगर आप इसे 1 मोड पे चलाओगे, तो रेंज आपको ऑफर करेगी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के आसपास, ये एक चार्ज पे चल जाएगी, पर आपको चलाना पड़ेगा 35-37 पे। तो भाई देखो अगर मैं इसमें और चीज़ों की बात करता हूँ, तो मैं इसको 0 किलोमीटर पे लेके चला था, जो चीज़ मैंने आप लोगों को, मतलब आप लोगों ने वीडियो में देख ली होगी, स्टार्टिंग मैंने इसको बिल्कुल 0 किलोमीटर से करी थी। अब मैं इसको चलाने वाला हूँ 150 किलोमीटर, या फिर जितनी ये चल पाएगी। कोशिश करेंगे इसको पूरा एंड करने की, इसके किलोमीटर पूरे फिनिश करने की, पूरी बैटरी डेड करने की, ठीक है, अपना टारगेट यही है। और मैं इसको हर मोड पे मिक्स चला रहा हूं, जैसे कि मैं अभी तो इसको भाई इसके फुल पावर वाले मोड पे चला रहा हूं, 57 पे भाग रही है मस्त एकदम, है ना। और उसी के साथ साथ अगर देखो बात करी जाए, अगर आप इसको मोड नंबर 2 पे चलाओगे, सेकंड मोड पे, मैं सेकंड मोड पे लगा देता हूं, यहां से आप इसके मोड टॉगल करोगे इस रेड वाले बटन से, तो सेकंड मोड पे भाई ये भागेगी आपकी 50 अभी आपके सामने आ जाएगी, 47 जा रही है सेकंड मोड पे। तो सेकंड मोड पे जब आप इसको 46-47 के आसपास चलाने वाले हो ना, तो आप अगर इसको इस स्पीड पे क्रूज करते हो, तो आपको रेंज निकाल के दे देगी क्लोज टू 170 किलोमीटर, मतलब आप मान के चलो 160-170 किलोमीटर ये मोड 2 पे चल जाएगी एक सिंगल चार्ज पे, क्योंकि ये मैक्स वेरियंट है। एंड उसी के अलावा अगर आप इसको थर्ड मोड पर चलाते हो, तो भाई जो इसका सबसे पावरफुल मोड है, जिसपे भाई मैं इसको भगाता फिर रहा हूँ, जो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, ये देखो, मतलब अगर आप इसको थर्ड मोड पे चलाओगे, तो इसकी जो टॉप स्पीड निकल कर आएगी वो आपको मिलेगी, अभी देख देते हैं, 63 भाग रही है, 64। जब तक एक स्पीड पे आके ये स्टक नहीं हो जाएगी, हम रुकेंगे नहीं, तब तक हम इसका एक्सेलरेट करते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है इसकी टॉप स्पीड 63 निकल कर आएगी। भाई फुल थ्रॉटल चला रहा हूँ एकदम, पूरा मुट्ठा इसका मरोड़ रखा है मैंने, मतलब पूरा फुल एक्सेलरेट कर रहा हूँ मैं स्कूटर को। तो यहाँ पे ये मुझे लगता है मेरा वेट भी क्लोज टू 71-72 kg के आसपास है, और स्पीड अचीव करेगी जो मुझे लगता है 62, 63, 64,
और जाएगी अभी स्कूटी 65, वाओ। कंपनी भी शायद से 60-65 के ही बीच में बोलती है, तो 65 की स्पीड पे मस्त चल रही है आपकी स्कूटर, है ना। तो अगर आप इसको 65 की स्पीड पे चलाते हो तो आपकी जो रेंज आपको मिलने वाली है सिंगल चार्ज पे, तभी आपको रेंज निकाल के देगी क्लोज टू 150-160 किलोमीटर के आसपास। बाकी क्या है इसका मतलब, जो भी कुछ है सिस्टम, वो मैं आपको टेस्ट करके बता ही दूंगा। चला रहा हूँ मैं प्रॉपर, चलाने के बाद टेस्टिंग करके आपको बता दूंगा कि भाई इसकी क्या रेंज है, क्या कैपेसिटी है, और क्या ये आपको मतलब ओवरऑल जो इसकी बैटरी की एक सिंगल चार्ज पे रेंज है वो मिलने वाली है। तो मैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको चला चला के दिखाता रहूँगा, क्योंकि अब सीधा रास्ता भाई मुझे तो 150 किलोमीटर जाने हैं। मैं आप लोगों को पूरी अननेसेसरी बहुत बड़ी वीडियो तो दिखाऊंगा नहीं, थोड़े थोड़े देर में शॉट लेते रहेंगे। तो अभी मैं इसको चला चुका हूँ क्लोज टू 6 किलोमीटर, अब आप लोगों से मिलते हैं आगे। तो भाई देखो मैं इसको चला चुका था ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर, अभी मेरे को ना ट्रक दिखा, देखो इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। राम राज में दूध मिला, कृष्ण राज में घी, कलयुग में दारू मिली खूब दबाकर पी। भाई ट्रकों के पीछे एक नंबर कोट्स लिखे रहते हैं, मज़ा ही आ जाता है पढ़ के। और मुझे स्कूटी चलाने में ही मज़ा आ रहा है, फुल इंजॉय कर रहा हूँ मैं। यहीं से खूब दूर तक जाएंगे, 80-90 किलोमीटर जाएंगे वन साइड, 80-90 किलोमीटर आएंगे दूसरी साइड से, और फिर चलाते हैं इसको, देखते हैं कितने किलोमीटर जाती है ये। Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light. So damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for? तो भाई देखो, जैसे कि कल रात को इसको 90 किलोमीटर चला लिया था, यहाँ पे 90 किलोमीटर लिखा हुआ आ रहा है, आपको कैमरे में नजर आ रहा होगा। तो आज सुबह सुबह फिर मैं इसको लेके निकल चुका हूँ। अब इसके अंदर बैटरी है लगभग 32-33% बैटरी है। मैं आगे रुक के आप लोगों को फ़ोन में दिखाऊंगा, और आज इसका वापसी रियल लाइफ टेस्ट करेंगे। अब देख लो भाई, एक वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अब थोड़ा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कल से इसको स्कूटी को लेके घूम रहे हैं, जब तक कि बिल्कुल ये नहीं होगा ना इसका कि अब ये बस बंद हो गई, जब ये बिल्कुल रेस तोड़ देगी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अब हो गया, तब तक इसे चलाता रहूँगा मैं। और इसका मेन रियल लाइफ टेस्ट ही वो होगा कि भाई ये कब तक चलती है। तो मैं इसे लेके निकल चुका हूँ, 90 किलोमीटर डन है, 90 किलोमीटर के ऊपर देखते हैं ये और कितनी चल जाएगी। वैसे 90 किलोमीटर सही बताऊँ एक अच्छा नंबर है, जिसमें मैं आपको काफ़ी कुछ बता सकता हूँ स्कूटर के रिगार्डिंग, कैसा है कैसा नहीं है। रियलिटी बता रहा हूँ भाई, स्कूटर की जो पोजीशन है ना, पर्सनली काफ़ी सही है, काफ़ी हैंडी है, मज़ेदार है चलाने में। और मैं सबसे पावरफुल वाले मोड पे ही चला रहा हूँ इसको, मोड नंबर 3 के ऊपर कल से ही, जैसे कि आप लोग जानते हो। कल तो सुबह सुबह जब आ रहा था तो ग्लव्स वहीं पे रह गए थे शोरूम पे, पर आज मैंने ग्लव्स, राइडिंग जैकेट वैकेट सब पहन लिया है। अभी ना इसके अंदर रिवर्स भी, आप इसको अगर रिवर्स चलाना चाहो ना तो वो वाली फंक्शनैलिटी भी मिलती है। तो एक बार मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ इसमें रिवर्स का बटन मिलता है, ये आर वाला। अगर आपको इसे पीछे चलाना है ना तो पहले इस बटन को होल्ड करना है और फिर एक्सीलरेट सीधा देना है, ये पीछे जाएगी और स्पीड जाएगी पीछे चलाते हुए 6 की, 6। चला के दिखाता हूँ, ये देखो भाई, हमने इसको 150 किलोमीटर वाला जो टेस्ट था वो तो मैंने कर ही लिया था, उसी के साथ मैंने आपको एक बार इसके अंदर जो फीचर्स आते हैं वो भी दिखा देता हूँ। बेसिकली इसके अंदर अगर आप लोग अपना चाहो कि मतलब जो आपका हिल होल्ड होता है इसमें वो आपको देखने के लिए मिल जाता है, अगर ढलान पे कहीं खड़ा है स्कूटर तो आप नॉर्मली अगर इसको आगे करेंगे तो आगे भी हो जाएगा, वो मैं आपको सामने की तरफ अभी करके दिखाऊंगा। एंड उसके अलावा इसमें 2-3 और मस्त फीचर आते हैं वो भी दिखाता हूँ। एक बार आप ढलान चेक करो कितनी हाइट पे है भाई, बहुत अच्छा इंक्लाइन है, कम नहीं है। तो भाई देखो मैं इसको भगाती ही लेके आया हूँ, प्रॉपर नीचे की तरफ से अगर आप देखोगे ना, यहाँ से अगर आप एक बार साइड एंगल से भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा स्कूटर अच्छी हाइट पे है। अभी भाई देखो मैंने ब्रेक दबा रखे है, अब मैं इसके जैसी ब्रेक रिलीज करूंगा देखो पीछे नहीं जाएगा, ये देखो दोनों ब्रेक छोड़ रखे हैं, पैर में इसमें कोई ब्रेक होता नहीं है, खड़ा हूँ मैं इसके ऊपर आराम से। तो इसका जो हिल होल्ड वाला फीचर है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है, अगर अब आप इसे आगे चलाना चाहते हो देखो अपना आगे से मैं रेस दूंगा आगे चलना शुरू हो जाएगा, तो इस तरीके से तो इसके अंदर हिल होल्ड वाला फीचर वर्क करता है। अभी आपसे बात करते करते मैंने देखो सब छोड़ रखा है, ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं दबाया हुआ है, मस्त हिल होल्ड पे खड़ा हुआ है, तो थोड़ी देर तक आप इसको ऐसे कहीं से भी होल्ड करवा सकते हो, जो एक बढ़िया फीचर है। एंड उसके अलावा अब मैं आपको इसके अंदर आने वाले 2 फीचर और दिखाता हूँ जो बहुत अमेजिंग है, आ जाओ अंदर। किसी रीजन की वजह से मान लो आपकी बैटरी आप चार्ज नहीं कर पाए, या फिर मान लो किसी पतले रास्ते से आपको निकालना है, अपने घर से बाहर निकालना, घर के बाहर मोस्ट ऑफ द टाइम आपने क्या देखा ढलान होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, या फिर मतलब आपको बड़ी छोटी जगह से निकालना है ना तो वहाँ पे बढ़िया फीचर है। सबसे पहले आपको इसे पार्क मोड पर लगाना है, एक बार देखो इधर आपको इसको वाला पी वाला बटन दबाओगे तो पार्क मोड पर रहती है, या फिर अगर चाबी ऑफ करके ऑन करोगे तो भी आपका स्कूटर हमेशा आपको पार्क मोड पर मिलेगा, चलाने के लिए पार्क हटाना पड़ता है। तो पार्क मोड पर लगाने का अगर इसमें हल्का सा धक्का लगा दूंगा ना तो ये देखो इतना अभी इसके बाद अपने आप चल रहा है, आपको लग रहा होगा मैं चला रहा हूँ पर नहीं, ये अपने आप चल रहा है इस टाइम पर, आप देख सकते हो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ।
अब यही सेम चीज ना इसमें अगर आप इसे पीछे की तरफ चलाओगे तो वहां भी यही सेम चीज वर्क करती है। अब देखो मैं इसको हल्का धक्का लगा के पीछे कर दूंगा। इसको प्योर पारदर्शिस्ट के नाम से इस फीचर को बुलाता है। देखो मैंने पीछे कर रहा हूँ, मैं नहीं चला रहा, सेम इसको ये अपने आप चल रहा है। ये अब कुछ लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि भाई ये तो आप चला रहे हो, ये अपने आप थोड़ी ना हो रहा है। मैं आपको इसका और एक लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो अभी अगर आप देखोगे तो भाई जैसे कि ये मेन स्टैंड के ऊपर अपना स्कूटर खड़ा हुआ है। अब मैं भाई जैसे पार्क असिस्ट वाला फीचर मुझे यूज करना है तो यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से दिखा सकता हूँ। अभी मैं अगर इसके टायर को चाहे आगे हुआ चाहे पीछे हुआ उसके बाद ये अपने आप घूमता रहेगा। अब इसने सेंस कर लिया है कि भाई स्कूटर एक बार आगे चलना शुरू हो गया है। अब ये देखो अपने आप घूमता रहेगा जब तक मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा। अभी मैंने आगे की तरफ चला के दिखाया, अब आगे की तरफ चल रहा है, पीछे चल रहा है। तो आगे या पीछे जोन सी भी साइड चल रहा है उधर की तरफ चल रहा है। अब मैं इसको अपोजिट साइड चला के दिखाता हूँ। ये मैंने ब्रेक लगाया, रुक गया, अब मैं इसे अपोजिट चलाऊंगा। ये देखो हल्का सा घुमाते ही जैसे इसको समझ में आता है ना कि भाई आपका स्कूटर चलना स्टार्ट हो गया, वैसे ही ये सेंस करके उस टायर को अपना मूवमेंट में घुमाना स्टार्ट कर देता है। तो ये पार्क असिस्ट वाला फीचर बहुत बढ़िया है जिसमें आपकी बहुत सही हेल्प होने वाली है अगर आपको स्कूटर को कहीं पतली जगह से निकालना है कुछ भी करना है। तो तू बंद हो, मैं निकालता हूँ अपना फोन। मैंने इसकी ऐप इसको ऑलरेडी कनेक्ट कर रखी थी। डिवाइस डिसकनेक्टेड, अब ये दोबारा कनेक्ट हो जाएगी। सीरीज पे आना है, 1746 इसकी बैटरी नंबर है, मैंने स्कैन कर ली थी। अभी ये एक सेकंड का टाइम लेगी, अभी डिटेल्स आ जाएंगी। गोप्रो ऑन है ना, कैमरा ऑन है। अभी भाई हल्का सा एक सेकंड का टाइम लेती है। लो भाई जब मैं इसे लेके चला था 33 कुछ परसेंट बैटरी चार्ज थी, अभी इसके अंदर 25% बैटरी है। ये सुई देख रहे हो 25% बैटरी है। ये नीचे आप देखोगे सारे इसके शेल्स आ रहे हैं तो सब कुछ एकदम ग्रीन है, ओके रिपोर्ट है। और अभी इसमें कुछ रेंज वेंज लिखी आती है कि कितनी चल जाएगी, ऐसा रेंज वेंज तो कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है। 25.6% अभी इसमें बैटरी बची है, तो ठीक है अभी इसको और चला के देखते हैं, है ना। 25% चार्जिंग है भाई अभी इसमें। ग्लव्स पहनते निकलते हैं और 100 किलोमीटर भाई फाइनली यहाँ पे डन हो गए हैं। गोप्रो में नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो अपने भाई की बात पे यकीन कर लेना, ठीक है। चलो लेट्स गो। ये चलो भाई वापस फाइनली चल पड़े हैं। वैसे एक बात बताऊं, सही है मेरे को जैसे 100-150 किलोमीटर को चलाना था, मजा आया, मैंने इस राइड को पूरा फन एंजॉय करा, दो दिन के अंदर कंप्लीट करी है, ओवरऑल मजेदार है यार, बढ़िया एकदम, ओके रिपोर्ट। तो गाइस फाइनली इतने घंटों की अपनी मेहनत के बाद स्कूटर के किलोमीटर पूरे हो गए हैं 128 किलोमीटर इसको भाई चला दिया है। और अब भाई एक बैटरी दिखा रहा है, इसके अंदर सारे बार ख़त्म भी हो गए हैं। फ़ोन में परसेंटेज भी चेक करते हैं और यहाँ से राइट मुड़ के सामने ही मेरे शोरूम में आने वाला है जहाँ से मैंने स्कूटर लिया था। तो मुझे लगता है कि भाई इसकी जो कैपेसिटी कंपनी बता रही है 150 किलोमीटर से 160 तक की जो बोली जा रही है, 150 किलोमीटर ही चल जाएगा सिंगल चार्ज पे, भाई मुझे लगता है काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। और स्कूटर में भाई अभी भी दम है, अभी भी चल रहा है। पहले इसकी टॉप स्पीड है 55 तक भाग रहा था, अब देखो जैसे जैसे बैटरी वीक होती जा रही है वैसे वैसे स्पीड थोड़ी घट रही है। अभी ये टॉप स्पीड भाग रहा है 33-34 के आसपास में, ठीक है, इससे तेज नहीं जा रहा। देखो फुल थ्रॉटल चला रहा हूँ और फ़ोन में भी देख लें कितने परसेंट बैटरी। और मुझे जो लगता है पता है इस स्कूटर को लेकर, भाई सही है भाई 129 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया। वो खड़ी भाई अपनी सेल्टोस, मेरे को ऐसे राइट होने इंडिकेटर दे देते हैं और टू टू की आवाज़ भी प्रॉपर कर रहा है।46 जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये भी एक सेकंड का टाइम लेगा। यहाँ पे आपको जो बैटरी की परसेंटेज है वो नजर आ जाएगी कि भाई कितने परसेंट इसके अंदर बैटरी है। लो भाई 5.8% बैटरी बची है, जब मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी तब बची थी 25%। और एक बार भाई किलोमीटर भी चेकआउट कर लो, आप लोगों को किलोमीटर दिखा देता हूँ, कल से भगाते फिर रहे हैं वैसे 129 किलोमीटर चल गई है। तो मुझे जो लगता है जो बचे हुए 5% बैटरी है ना उसके अंदर भी है लगभग 10-1 किलोमीटर कर देगी, 10-15 किलोमीटर, तो वही क्लोज टू आप मान के चलो 150 किलोमीटर की रेंज आपको ऑफर करी थी, 150 के आसपास चल रही, वो भी एक सिंगल चार्ज पे। ये चीज़ मुझे भाई स्कूटी की बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, जो कि पर्सनली एक अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। और एक चीज़ ये है कि भाई देखो आप कोई भी ले लो, आप जैसे बचपन में गाड़ी वाड़ी थे हम खेलते थे तो उनके जब जैसे सेल वीक नहीं हो जाते थे तो वो स्लो चलने लग जाती थी, तो वही चीज़ इसके साथ भी जब 100 किलोमीटर पार कर देगी ना उसके बाद थोड़ा स्पीड में गिरावट आती है। अब जैसे इसके अंदर 5 या 8% बैटरी बची है तो अभी लास्ट के जो किलोमीटर कवर करें उसमें इतने लास्ट स्पीड अचीव करी है
30-35 तक आ गई थी स्पीड गिरते गिरते, पर हाँ ये है कि अब जो बचे 5% उसमें आप कॉन्स्टेंट मुझे लगता है 30-35 की स्पीड पे उसको चला सकते हो, जहाँ पे आपके लगभग ये चल जाएगी 10-15 किलोमीटर। तो मुझे तो लगता है कि भाई रेंज बढ़िया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई आप एक बार चार्ज करोगे आपको 100-150 किलोमीटर की रेंज दे रहे थे यार, और क्या ही चाहिए। और वैसे भी एक दिन में 100-150 किलोमीटर का ही इतना चलाओगे लोकल में, फिर तो चार्ज कर ही लोगे रात को। तो रेंज कंपनी की तरफ से मुझे तो भाई बढ़िया लग रही है। और बाकी अगर आप लोग इसमें से आप में से कोई भी बंदा इस स्कूटी को लेना चाहता है, लेने का प्लान कर रहा है, शोरूम की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है, डेफिनेटली आप लोग जाओ वहाँ पे जाके कुछ भी स्कूटर के बारे में क्वेश्चन क्वेरी है या फिर टेस्ट राइड करने यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको स्कूटर के बारे में यहाँ पे पता चल जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो सारी मेहनत देख के भाई बढ़िया लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर देना। 150 किलोमीटर या 130 किलोमीटर चलाना भाई मजाक नहीं है, बड़ी मेहनत लगी है चलाने में। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।